हरे कृष्णा, क्या आपने कभी सोचा कि कलयुग समाप्त होने के बाद क्या होगा? क्या सब कुछ शून्य हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार हर साल जनवरी फरवरी मार्च ये चक्र चलता रहता है, वैसे ही एक युग समाप्त होने के बाद दूसरा युग शुरू हो जाता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदा त्रिमाणं सृजामि परित्राणाय साधुनाय विनाशाय लघुसुतम् धर्म संस्थापनाय चम्भवामि। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान हर युग में अवतार लेते हैं अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान हर युग में बार बार अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में 25 श्लोक में वर्णन आता है कि कलयुग की टोटल 4,00,000 है, जिसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं। हम देख सकते हैं कि कितना कलयुग अभी भी बढ़ चुका है, कितना अधर्म अभी भी हो रहा है। लोग गौ हत्या, लोग अपनी जिभा को सेटिस्फाई करने के लिए मांस का सेवन करते हैं, दूसरे प्राणियों पर दया नहीं करते हैं। सोच सकते हैं जब कलयुग खत्म होगा तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अभी तो लोग कलयुग में जीव जानवरों का वध करके खा रहे हैं, उस समय मनुष्य मनुष्य को खाने लग जाएगा, बस बोल कर लेगा। तब भगवान कल की उत्पन्नता देंगे, फिर से अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। और भगवान कलयुग का एक महान ब्राह्मण होंगे जिनका नाम होगा विष्णु यशा और उनका गाँव का नाम होगा संबल। इस प्रकार भगवान कलयुग में दोबारा अवतार लेंगे। हरे कृष्णा।